दोस्तों, मोदी सरकार जो एक के बाद एक शिलान्यास करती जा रही है, क्या भारतीय जनता पार्टी ने चुनावी कैलकुलेशन पहले ही कर ली थी कि सारे शिलान्यास चुनाव के वक्त करने हैं ताकि वोट बैंक तैयार किया जा सके। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 दिसंबर को गंगा एक्सप्रेसवे और जलालाबाद हवाई पट्टी का शिलान्यास करेंगे। यह आपात स्थिति में सेना का एयरबेस भी होगा। इस हवाई पट्टी पर लड़ाकू विमान उतारने की तैयारी भी है। आपात स्थिति में यहां से नेपाल और चीन की सीमा तक आसानी से पहुंचा जा सकेगा। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे शाहजहांपुर की 3 तहसीलों से गुजरेगा। यहां के 41 गांव से 41 किलोमीटर एक्सप्रेसवे गुजरेगा। इसमें सबसे अधिक 27 गांव जलालाबाद के हैं। वहीं इस रैली में पीएम मोदी 22 विधानसभा चुनाव के मतदाताओं को सांधने की कोशिश भी करेंगे। हालांकि खास फोकस जलालाबाद और बदायूं की सहसबान सीट पर रहेगा, जिसकी एक बड़ी वजह है, जब से बीजेपी का गठन हुआ है तब से लेकर आज तक बीजेपी जलालाबाद और बदायूं की सहसबान विधानसभा सीट पर जीत नहीं पाई है। ऐसे में अब माना जा रहा है कि इन सीटों को जीतने के लिए पीएम मोदी की जनसभा का आयोजन किया गया है। मेरठ से प्रयागराज को जोड़ने वाला गंगा एक्सप्रेसवे सिर्फ दोनों शहरों के बीच की दूरी कम नहीं करेगा, बल्कि सुरक्षा के लिहाज से भी काफी महत्वपूर्ण होगा। शनिवार को पीएम मोदी 5 जिलों की 22 विधानसभाओं को यहां से सांधेंगे। पीएम मोदी का विधानसभा चुनाव से पहले बरेली मंडल में पहली सभा होगी। वहीं गंगा एक्सप्रेसवे जिन क्षेत्रों में होकर गुजर रहा है उनमें से अधिकांश किसान बहुल्य है, जैसे कि किसान आंदोलन के दौरान भाजपा से किसान का मन मुटाव 2022 के चुनाव पे भारी पड़ता नजर आ रहा था। ऐसे में पीएम मोदी का फोकस भी किसान पर रहेगा। कृषि कानून वापस लेने के बाद किसानों को अपने पल्ले में लाने के लिए बीजेपी हर संभव कोशिश में जुटी हुई है। इसके लिए पड़ोसी जनपद लखीमपुर खीरी की मोहम्मदी और कस्ता विधानसभा के लोग भी यहां बुलाए जा रहे हैं। अब तक सिर्फ मोहम्मदी से लोगों के आने की संभावना थी। वहीं इसी तरह सीतापुर की भी 2 विधानसभाओं में से कार्यकर्ता और आम जनता जनसभा में आएंगे। मोदी जी के ये बढ़ते हुए कदम बता रहे हैं कि 2022 के चुनाव के लिए भाजपा अपने रूठे हुए क्षेत्रों में भाजपा का झंडा लहराने की कोशिश में जुटी हुई है। गंगा एक्सप्रेसवे और जलालाबाद हवाई पट्टी का न्यास के सिवा भाजपा का कौन सा बड़ा चुनावी उद्देश्य है, हमें कमेंट कर बताइए। तमाम जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और देखते रहें दी कंटाप।